हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी डॉट कॉम। जी स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि क्लास 9 एंड क्लास 10 के जो सिंध बोर्ड कराची के एग्ज़ाम होने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू न्यू मॉडल पेपर उनके जो एग्ज़ाम हैं उसमें 50% MCQs आएंगे आपके। ठीक है, तो मींस के MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस दफ़ा के एग्ज़ाम के लिए। तो स्टूडेंट, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स का बताया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है और उनकी यूनिट कैसे निकाली जाती है। तो ये MCQs के हवाले से पार्ट टू है स्टूडेंट, जिसमें आज मैंने न्यूमेरिकल बेस्ड MCQs कुछ बताई हैं आपको, कुछ सोल्व करने की कोशिश की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल बेस MCQs हैं ये कैसे सॉल्व होंगी और ये किस टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, ओके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि इस तरह की न्यू आने वाली वीडियोज़ तक आपकी पहुँच हो सके और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखें, क्वेश्चन वन मैंने लिखा है द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज़। हमें वॉल्यूम बताना है एक स्फीयर का है, जिसका डायमीटर हमें बताया गया है क्या, 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो चलें ये कैसे सॉल्व होगा आए देखते हैं इसको। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, यहाँ हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वैसे तो एज सच MCQs में हमें डेटा बनाने की कोई नीड नहीं होती है, लेकिन समझने के लिए आप ख़ुद के समझने के लिए आप डेटा बना लें तो आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं डेटा बनाती हूँ इसका। यहाँ देखें, ये हमने वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है यहाँ पे स्टूडेंट, जिसका डायमीटर हमें दिया गया है कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, जबकि हमसे क्या पूछा गया है, हमसे वॉल्यूम पूछा गया है। तो क्योंकि ये स्फीयर है स्टूडेंट, तो उसके वॉल्यूम के लिए जो फार्मूला अप्लाई होगा वो, तो स्टूडेंट इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा स्टूडेंट V इज इक्वल टू 4/3πr³। ठीक है, यहाँ देखें स्टूडेंट, क्योंकि हमें आर की वैल्यू मालूम नहीं है, ठीक है, हमें क्या दिया गया है, हमें डी दिया गया है यानी कि डायमीटर। तो उससे सबसे पहले हमने क्या निकाला है, हमने उससे सबसे पहले स्टूडेंट रेडियस निकालना है। तो हमें पता है कि आर इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय 2 होता है। ठीक है, डी की वैल्यू हमें 2 दी गई है, 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये डी का 2 है एंड ये वाला 2 है, 2 अंजा 2 2 अंजा 2, यानी जो रेडियस आया है स्टूडेंट वो क्या आया है, वो आया है 1। ठीक है, अब बस इस फॉर्मूले में इन तमाम की वैल्यूज़ पुट की हमने। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये फार्मूला लिखा अगेन मैंने, ठीक है, 4 डिवाइड बाय 3 एंड स्टूडेंट आपको पता है कि पाई की एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, एंड ये 1 का क्यूब इज इक्वल टू वी। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, वी इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ देखें ये 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, ये हो जाएगा और 1 का क्यूब तो स्टूडेंट 1 ही आएगा, डिवाइड बाय 3। तो ये क्या स्टूडेंट आंसर आया, 4.18। ठीक है, 4.18। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, ये हमें डायमीटर सेंटीमीटर में दिया गया था, तो ये जो वॉल्यूम का आंसर आया है स्टूडेंट ये भी सेंटीमीटर में आया है। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, राइट ऑप्शन होगा, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट वो होगा ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखें 4.18, तो ये जब 8 हटेगा यहाँ से, ये राउंड ऑफ हो जाएगा, तो ये 4.2 हो जाएगा स्टूडेंट, यानी इसका ऑप्शन ए स्टूडेंट सही ऑप्शन है। ठीक है, बहुत इंतहाई इजी था ये। चलें अगले न्यूमेरिकल की जानिब चलते हैं। तो जी स्टूडेंट, न्यूमेरिकल 2 दिया गया है, अ कार मूव्स विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 5 सेकेंड इज। एक कार है स्टूडेंट जिसने एक कांस्टेंट स्पीड से मूव किया है, ठीक है, और वो जो कांस्टेंट स्पीड है वो क्या है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो चलें स्टूडेंट डेटा बनाते हैं इसका। ठीक है, तो वी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 5 सेकेंड इज, टाइम हमें दिया गया है स्टूडेंट 5 सेकेंड, मीन्स के उस कार ने ये जो 10 मीटर पर सेकेंड का डिस्टेंस है उसको 5 सेकेंड में तय किया है स्टूडेंट। तो हमसे पूछा क्या गया है स्टूडेंट, डिस्टेंस, सही है कि कितना फासला उसने तय किया है यानी कि एस।
ठीक है स्टूडेंट, स्पीड हमें बताई गई थी 10, टाइम हमें बताया गया था 5 सेकेंड, और हमसे स्टूडेंट डिस्टेंस पूछा गया था, इंतहाई ईजी है। तो फॉर इक्विवेलेंस स्टूडेंट जो अप्लाई होगा वो होगा बी इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी। ठीक है, अब यहाँ देखें स्टूडेंट, ये जो टी है ये इस ऐसे क्या है, क्या हो रहा है स्टूडेंट, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन के इस साइड जाने के बाद ये यूं हो जाएगा, वी मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू एस। ठीक है, क्योंकि हमें एस फाइंड आउट करना है इसलिए हमने इसको सबसे अलहदा किया है। अब यहाँ देखें एस यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट, एंड वी की जगह हम क्या लिखेंगे 10, मल्टीप्लाई टाइम की जगह हम क्या लिखेंगे 5। ठीक है स्टूडेंट, तो 10 × 5 = 50 मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, यानी उसने 50 मीटर का डिस्टेंस तय किया है 5 सेकेंड में, और तब जाके उसकी स्पीड क्या हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन डी स्टूडेंट इसमें राइट ऑप्शन हुआ। ठीक है स्टूडेंट, चलें थर्ड देखते हैं स्टूडेंट। जो थर्ड है वो क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ 10 kg इज़, इक्विवेलेंट वेट बताना है हमने 10 kg के वेट का। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ देखें हमें क्या दिया गया है, 10 kg मीन्स kg से हमें ये पता चला कि स्टूडेंट ये क्या है, ये मास है। ठीक है, ये इसका डेटा हो गया। अच्छा स्टूडेंट, अब इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा, यूजुअली जो यूज़ होता है स्टूडेंट वो होता है W इज़ इक्वल टू mg। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको पता होगा कि जो जी है उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है 9.8 m/s² या हम उसे 10 भी ले सकते हैं। चलो स्टूडेंट मैं यहाँ पे 9.8 ही लेती हूँ। ठीक है, इंतहाई इजी है स्टूडेंट, यहाँ देखें W, M की जगह स्टूडेंट हम 10 लिखेंगे, एंड G की जगह हम क्या लिखेंगे 9.8। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ देखें 10 × 9.8, तो ये क्या आ गया स्टूडेंट 98 न्यूटन। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें इसका जो ऑप्शन ए है वो इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलें चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन 4, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट 400 km/h। ठीक है, एक एरोप्लेन है जो फ्लाई कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, 400 km/h। ठीक है, हाउ फार द एरोप्लेन मूव्स इन 30 मिनट, हमें डिस्टेंस बताना है कि वो एरोप्लेन 30 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस तय किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर एंड 400 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो चलें डेटा बनाते हैं स्टूडेंट। यहाँ देखें स्टूडेंट, बी हम क्या लिखेंगे 400 किलोमीटर पर हवर। ठीक है, अब यहाँ देखें स्टूडेंट, क्योंकि हमें पता है कि हम इसको किस में चेंज करते होते हैं, हमेशा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में हमें किलोमीटर दिया गया है, यानी कि इस किलोमीटर को हमने चेंज नहीं करना, ठीक है, तभी ऑप्शन सही आएगा, मतलब आंसर तभी सही आएगा, यानी हमें किलोमीटर को क्या करना है स्टूडेंट, चेंज नहीं करना। लेकिन यहाँ देखें हमें हवर को तो चेंज करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा स्टूडेंट, ये 400 को हम डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट 3600 से। ठीक है, वैसे तो हम किलोमीटर किलो को भी चेंज करते हैं, इसकी जगह हम किलो की जगह यहाँ 1000 लिखते हैं, तो स्टूडेंट ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी चैप्टर 3 की, जिसमें ये चेंजेस मैंने आपको बताई थी, आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है स्टूडेंट वो हमें किलो में मतलब रिक्वायर्ड है हमें आंसर। ठीक है, तो उसके लिए मैंने किलो को चेंज नहीं किया है, एंड हवर को मैंने सेकंड में चेंज करने के लिए स्टूडेंट इसको 3600 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इसमें इसके बाद डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब यहाँ देखें स्टूडेंट, ये 400 डिवाइड बाय 3600, तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा 0.111। ठीक है, 0.111 एंड 1 लिखेंगे हम, और स्टूडेंट हमें टाइम दिया गया है 30 मिनट,
ठीक है, तो मिनट नहीं, हमें इसको भी सेकंड में चेंज करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ भी मैंने किस में चेंज किया हुआ है, सेकंड में चेंज किया है स्टूडेंट। तो यहाँ देखें हम टी क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 30 मिनट्स। मिनट्स को स्टूडेंट सेकंड में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, ठीक है। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, जब हमने 30 को मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट 60 से, तो ये क्या आंसर आया, 1800 सेकेंड, ठीक है। अब ये इंतहाई ईजी हो गया है, हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर दें स्टूडेंट। फॉर्मूला यूज़ होगा वी इज़ इक्वल टू एस डिवाइड बाय टी। अब यहाँ देखें क्योंकि हमें एस चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, ये जो टी से डिवाइड हो रहा है ये इक्वेशन के साइड आने के बाद वी से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा एस इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। एस इज़ इक्वल टू वी की जगह हम लिखेंगे 0.111 एंड टी की जगह स्टूडेंट हम लिखेंगे 1800, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखें 1800 लिखा हुआ है यहाँ पे, 0.111 मैंने लिख लिया है। तो ये देखें स्टूडेंट क्या आंसर आया, 199.8, ठीक है, यानी एस इज़ इक्वल टू 199.8 किलोमीटर। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, ये 199.8 है, तो ये जब राउंड ऑफ होगा यानी 199.8 में से ये जब 8.8 को हम हटाएंगे स्टूडेंट, तो ये ऑलरेडी खुद ब खुद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 200 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखें इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, 200 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। चले अगले क्वेश्चन 5 की जानिब चलते हैं स्टूडेंट, जो कि है अ मोटर साइकिलिस्ट ट्रेवल 100 मीटर इन 10 सेकेंड, इट्स स्पीड इज़, एक मोटरसाइकिलिस्ट है स्टूडेंट जिसने ट्रेवल किया है 100 मीटर का डिस्टेंस कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में, और हमने उसकी स्पीड बतानी है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, एस लिखूँगी, जो कि क्या है स्टूडेंट 100 मीटर है, सॉरी, और टाइम स्टूडेंट हमें दिया गया है 10 सेकेंड, ठीक है, वी हमने कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, ये इसका डेटा हो गया। वैसे तो आप एमसीक्यूज़ में डेटा नहीं बनाते हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ देखें स्टूडेंट, फार्मूला वही, ये जो भी हमने यूज़ किया है, वी इज़ इक्वल टू एस डिवाइड बाय टी, ठीक है। एस की जगह स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, 100, एंड टी की जगह स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, 10। ये देखें स्टूडेंट, इसका ज़ीरो उसके ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गया, तो वी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। तो मींस के इसमें ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आज की जो वीडियो थी स्टूडेंट, ये इसमें मैंने आपको डिफरेंट 5 न्यूमेरिकल बताए कि ये कैसे सॉल्व होंगे स्टूडेंट, कैसे इनका डेटा आ सकता है, कैसे इनके ऑप्शन आ सकते हैं, कैसे ये कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगली जो वीडियो होगी इंशाल्लाह, उसमें हम मज़ीद ऐसे ही न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। अच्छा एक और बात स्टूडेंट, ये आपके 9-10 की क्लासेस के अलावा आपके ई कैट एंड एम कैट के जो अभी एग्ज़ाम होंगे आपके एंट्री टेस्ट के, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होंगे। तो स्टूडेंट वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एमसीक्यूज़ पार्ट 3 के साथ में आपके साथ मुलाकात होगी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।